हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूडी हेवन। आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम चुकंदर गोश्त। इसमें हमने मटन लिया है, करीब 400 ग्राम है, 3 अदद प्याज है मीडियम साइज़ की, और 3 अदद ही टमाटर है मीडियम साइज़ के, 10 जो है हरी मिर्ची हैं, इनको हमने चॉप्ड कर दिया है, ये सब रफली चॉप्ड किया है, और ये एक छोटी प्याज को भी रफली चॉप्ड कर लिया है, करीब 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, और ये एक, इसको समझ सकते हैं जैसे कि 10 to 15 क्लोव्स इसमें होंगे, इसको हमने चॉप्ड कर लिया रफली, गार्लिक का। ये सबको हम अभी पेस्ट बनाएंगे एक जार में मिक्सी के, और ये कुछ ड्राई मसाले हैं जिसमें हमने हल्दी को जो है 1.5 स्पून लिया है, धनिया जो है 1.5 है, एंड रेड चिल्ली हमारे पास 1 स्पून है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है 1 स्पून है, उसे आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। हमने शलजम लिए हैं, ये हमारे पास 4 बड़े साइज़ के शलजम हैं, और करीब 6 से 7 जो है हम इसमें चुकंदर डालेंगे। यहाँ पर शलजम के पत्ते भी हैं, इसमें से कुछ हम शलजम के पत्ते भी यूज़ करेंगे जो इसके टेस्ट को और बढ़ा देगा। ये बहुत ही टेस्टी डिश होती है, और विंटर सीज़न में तो स्पेशली ये घरों में बहुत ही बनता है इस तरह का सालन, और इसे आप भी बनाएं, बहुत हेल्दी है। इसमें आप देखें गोश्त के साथ साथ इसमें सब्जियों को भी यूज़ किया गया है बराबर। तो ये ऐसी सब्जियां हैं जो हम लोग स्पेशली सर्दियों में ही अवेलेबल होती हैं, जो खाते हैं। इनको अगर आप इस तरह से सालन में बनाएंगे तो घर में सभी लोग बहुत पसंद आएगा और सब बहुत इन्जॉय करेंगे। ऑयल को गर्म कर लिया है, इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। अब इसमें हम ये जो कटी हुई प्याज थी हमारी, इसमें डाल के इसको फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी। पर इसमें हम मटन और हमारा जो पिसा हुआ मसाला है जिसे हमने एक पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी यूज़ कर लेंगे इसमें। यहाँ आप देख रहे हैं प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। भून लेंगे। अब इसमें हमने अपने जो ड्राई मसाले थे उनको पानी में हमने उसका एक घोल तैयार कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। मसालों को डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए उसमें खाने में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर ऑयल बहुत तेज़ गर्म होता है तो मसाले जल जाते हैं, इसलिए अगर आप पानी में उसको घोल कर डालेंगे तो मसालों में जो इम्प्योरिटीज़ होती वो भी नीचे बैठ जाएंगी, और दूसरी चीज़ ये होगी इससे कि मसाला आपका जलेगा नहीं। मसाला हमारा भुन रहा है, इसे करीब 4 से 5 मिनट लगेगा, और फ्लेम को हम हाई रखेंगे और कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे। मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है और इसमें ऑयल पूरा सेपरेट हो गया है। इस कंडीशन में हम इसमें जो हमने लहसुन, अदरक, टमाटर और हरी मिर्च और प्याज का जो पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर देंगे। तरह हाई फ्लेम पे करीब 5 मिनट तक अब इसको भी भूनेंगे, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने शलजम को कद्दूकश कर लिया है, यहाँ चुकंदर भी कद्दूकश हो गई है, और शलजम के पत्तों को अच्छे से धो के हमने इसे भी चॉप्ड कर लिया है सब अच्छे से। हमारी सब्जियाँ सब रेडी हैं और गोश्त भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल रिलीज हो गया है। अब इस कंडीशन पे हम इसमें सब्जियाँ ऐड कर देंगे। सब्जियों को हम ऐड कर रहे हैं। इसमें सब्जियाँ ऐड कर रहे हैं। हमने चुकंदर डाल दिया है। इसमें शलजम ऐड हो गया। और ये शलजम के पत्ते, ये देखने में आपको सब्जियां ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन सब्जियां जब आपको मालूम है जब अभी स्टीम कुक हो जाएंगी थोड़ी, तो बहुत ही कम दिखेंगी, कम हो जाएंगी, और पकने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा विंटर स्पेशल शलजम चुकंदर गोश्त का सालन है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप लोग ट्राई करिएगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कैसी बनी। सब्जियों के साथ थोड़ी देर भुनने देंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा पानी शुरू हो गया है आना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सालन हमारा रेडी हो गया है और ये अच्छे से भून भी गया है। इसको हमने थोड़ा भून लिया है, थोड़ा ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो बस हम इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए, ये इसका फाइनल लुक है। ये देखने में आपको जितना कलरफुल लग रहा है, ये उतना ही खाने में भी बहुत टेस्टी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसको डिश आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। शलजम चुकंदर वो सर्विंग के लिए रेडी है। अब इसके लिए हम इसमें गार्निश करेंगे। यहाँ पे हमने ग्रीन चिली ली हैं, 3 से 4 अदद है ये, और कुछ कोरिएंडर लीव्स हैं, और 1 टीस्पून जो है गरम मसाला है। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको आप लेमन के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी चावल जिसके साथ भी आप प्रेफर करें खाना। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी डिश है ये। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा।